हमारा चलता रहेगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। ये फिल्म का ट्रेलर, जैसा कि हमने बहुत ही बातें की, कैसा से बातें, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है। थैंक यू, नई थॉट का ट्रेलर है ये। एंड आपके लिए डबल कॉन्ग्रेचुलेशन की नाना भी बन गए हैं। ये मैं वेट फिल्म फिल्म में नाना जी बोलते हैं ना। क्या बात है, ये तुम्हारी मासूमियत तो ना मारा जाओ। आप बताइए कि जब आपको लोग इस तरह से बातें करते हैं कि नाना जी आप बहुत ही उच्च विचारों के आदमी हैं, आप बहुत ही अच्छे संस्कारी हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं इंसान हूँ, मुझे भगवान। नहीं, मुझे कोई नाना जी नहीं बोलता, तो मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। यार बहुत खुश हैं, इसे निकल जाने देते हैं ना। ये पिक्चर वाला सायरन था ये, हाँ, डॉन फिल्म में जो आता है। हाँ, बॉस पुलिस आ गई है। बॉस पुलिस आ गई है। जा भाई, सब लंबा चल रहा है। वीआईपी पास आ गया। और मंगेश आया क्या? इस ट्रेलर को देख के मुझे अपने दादाजी पे भी शक हो रहा था। कम उम्र में चले गए थे वो, तो मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा। देख रहा है किनो, मुझे मेरे दादाजी पे हो रहा है। पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। मेरा बड़ा मन था कि मैं संतुलन का पार्ट करूं, क्योंकि वो बड़ा मनोरंजक पार्ट है। संतुलन कुमार मांगते ऐसी सेटिंग बैठाएगा कि आपको प्रॉब्लम। अभी ये सायरन आपके लिए भी अभी है ना? आइए। जी दिव्यांश जी। हाँ जी। ट्रेलर को जैसे कि हम लाइव ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर की एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बताइए कि किस तरह से? यार खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि ये फिल्म बड़ी मज़ेदार फिल्म है, जिसके अंदर एक हमने एक गंभीर सी बात बड़े एक हंसी मजाक के तरीके से कही है, ताकि लोगों को ज़्यादा भारी ना लगे। तो अच्छा लगता है जब मेहनत करते हैं साथ मिल के, बनाते हुए बड़ा मज़ा आया, वो एनर्जी अब लोगों तक जा रही है, तो अच्छी अच्छी बात। ये नए नाना जी से मिलके इन्हें कैसा लगा आपको? मेरी तो आंखें भर आई। बिल्कुल, हमने सुना कि आपने इनको थाईलैंड की सैर कराई। हाँ जी बिल्कुल कराई। मुझे लगता है हर एक इंसान का फर्ज बनता है अपने नाना जी को थाईलैंड की सैर कराना। अब बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद दिव्येंदु जी के साथ? पहले तो ये जानना चाहिए। हाँ, तो जब मंगेश अडावले जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट नरेशन किया मेरे साथ, मुझे कहानी सुनाई, और उसके साथ साथ उसी दौरान मुझे मालूम चला कि दिव्येंदु ये वाला मुझे पार्ट बहुत, संतुलन का पार्ट जो है मुझे बहुत ही रोमांचक लगा था, मैंने ये करना चाहता था मैं। लेकिन उसके लिए मंगेश ने बोला कि आप इससे थोड़ा सा 20-30 साल बड़े हो गए हैं इसके, तो वो मुझे पार्ट नहीं दे पाएंगे, और आत्माराम मुझे करना होगा। मुझे दिव्येंदु का काम मैं लगातार देख रहा हूँ शुरू से ही इनका काम, तो मुझे बड़ा होता ना कि आप अपने आसपास वेट करते हैं कि इस एक्टर के साथ कब काम करने का मौका मिलेगा, या इनके साथ जुगलबंदी होगी तो कैसा होगा। तो दिव्येंदु के साथ काम करना मेरे विश लिस्ट में था, और इसके अंदर ये फलीभूत हो गया, और अच्छा कोलेबरेशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया। स्क्रिप्ट क्या है कि फाइनली स्क्रिप्ट अगर अच्छी होती है, मटेरियल अगर अच्छा है, और माहौल अच्छा है, डायरेक्टर संजीदा हैं, तो फिर काम करने में मज़ा आ जाता है। और हम लोगों ने, मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, जैसी
आजकल दर्शक देखना चाहते हैं, अलग हटकर फॉर्मूला से अलग फिल्म, अलग किस्म की कहानी, और 11 नवंबर को थिएटर में जाकर अगर लोग देखें उसको और हमें थोड़ा सा शाबाशी दें तो मंगेश इस तरह की और फिल्म बना पाएंगे, रिलायंस और विंडो सीट फिल्म इसको और इस तरह की और कहानियाँ कह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाशी मिलेगी जब इस तरह से लाइव कमेंट आता है कि आपकी इस लिस्ट में थे एंड अब आपके साथ में काम करने का मौका मिला था, कितना ब्लेस्ड मोमेंट होगा। अरे बहुत ज़्यादा, आई मीन इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। गजराज, मैं जीजे बोलता हूँ इनको, सो जीजे आई मीन बहुत कोलैबोरेटिव आदमी है, और जब मुझे पता चला था कि ये फिल्म जब बन रही है, जब कहानी पता और पता चला कि जीजे पार्ट प्ले कर रहे हैं, आई वाज लाइक डन, दिस इज़ द परफेक्ट कास्टिंग। और आप यही चाहते हैं कि जब कोई एक अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसमें अगर बढ़िया बेहतरीन एक्टर्स आ जाएंगे तो और मज़ा आता है रंग जमाने का। तो जब जीजे का नाम आया तो आई वाज लाइक यस, आई मीन इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी डेफिनेटली, कि मतलब अब तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। और एक नया नाम आपको मिल गया, मैं कब से ये कंफ्यूज हूँ कि किस नाम से बुलाओ आपको, गजराज जी, नाना जी, जीजे जी, पर ये जीजा जी वाला जीजे नहीं है। इन्होंने गज का जी लिया है और राज का जे लिया है, और क्योंकि नयापन है और पहले दिन से ही शुरुआत से हम लोग इनकी जो एनर्जी है ना वो मुझे ज्यादा जीजे वाली लगती है। गजराज राव जी से ज्यादा मुझे जीजे वाली लगती है, बिकॉज ही इज वेरी अप, यू नो, वेरी एक्टिव, वेरी इंक्लूसिव, सो यू फील लाइक दैट, यू नो, आपके हम उम्र हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत हुआ है। मैं हूँ, मैं तो इनफैक्ट दिव्यंदु से एक दो साल अपने को छोटा ही समझता हूँ। तो लेकिन इसमें ऐसे नहीं कि हम दोनों का ही कोलैबोरेशन अच्छा हुआ, बाकी जितने तमाम कलाकार हैं, सनी जो सनी हिंदुजा जो मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं, और राजपाल जी, राजपाल यादव, उसमें एक मतलब एक सरप्राइज पैकेज है ऑडियंस के लिए कि वो एक मुहावरा है ना, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, तो उनका एक पार्ट है वो बीच में आते हैं कहानी में और ऐसा सुर बदल देते हैं पूरी स्टोरी का, और मतलब वो 10,000 वाली लड़ी होती है ना दिवाली पे, तो बस आप लगा के साइड में खड़े हो जाओ, वो पूरा काम खुद करेगी। तो जो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि राजपाल ने ये काम, हमारी फिल्म में काम करना स्वीकार किया, और बाकी तमाम कलाकार जो सबके साथ काम करके बड़ा मजा आया। तो आप मानते हैं कि थाई मसाज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है लाइफ में, जिस तरह से हमारी भागदौड़ की लाइफ है, स्ट्रेस है, इससे पहले भी आयुर्वेद की बात कर रहे थे जी, तो आप मानते हैं कि मसाज की बहुत ही जरूरत है? देखिए क्या है कि ये जैसे स्पोर्ट्स में तो होता ही है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे अपने सारे क्रिकेटर हैं या हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो खास तौर पर फिजियो को रखा जाता है कि आप जो आपकी जो मसल्स खिंच जाते हैं और जो आप थकान होती है, चोट लगती है, तो उसके लिए तो हमारे आयुर्वेदा में और केरल जी बिल्कुल, तो वो तो हमारी परंपरा में है। तो मुझे लगता है ये थाई मसाज भी यहाँ केरल से ही गया होगा, क्योंकि हमारे हज़ार साल पुराना, 1,000-1,500 साल पुराने कहीं तार जुड़े हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया से। अगर आप जाएँ वहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर में जो चीज़ें हैं, नाम हैं, वो शहरों के गलियों के, अयोध्यापुरी है वहाँ पर जी, जी। गणपति की मूर्तियाँ जगह जगह नज़र आती हैं। कंबोडिया आप चले जाएं, मैं गया नहीं हूँ कंबोडिया, मैंने वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पर भी आपका हिंदुस्तानी जो कल्चर है वो दिखता है। बाली में गया हुआ हूँ इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर कमाल है, वहाँ पर भी गणपति नज़र आते हैं, विष्णु नज़र आते हैं। इनफैक्ट थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, तो उसका नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है, और उसके अंदर बहुत बड़ी एक मूर्ति है समुद्र मंथन की, वो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो नाना जी हैं, दिव्यंदु जी, मैंने ट्रेलर में देखा है, जी हसीनाओं से मुलाकात होती है तो काफी से मिले हैं, तो बताइए कि क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है जब उनकी मुलाकात होगी? देखिए ये, हाँ ये सिर्फ हसीनाओं से मिलने थाईलैंड नहीं जाते हैं, तो क्या है एक स्पिरिचुअल जर्नी है उनकी, उसमें थाईलैंड एक अहम भूमिका प्ले करता है। लेकिन कहानी में जब आप देखेंगे तो कैरेक्टर की शुरुआत जहाँ से होती है उसकी एक दिली ख्वाहिश है, यू नो, एक तरीके का एक्सपीरियंस पाने की, और थाईलैंड की तरफ वो निकलते हैं और वहाँ पे नाना प्रकार की जो हम चीज़ें बोलते हैं, नाना प्रकार के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनको, नाना को नाना प्रकार के एक्सपीरियंस मिलते हैं। सो या इट्स नॉट जस्ट, सिर्फ एक ही ढर्रे पे हम नहीं सोच सकते कि एक ही चीज़ के लिए जा रहे हैं,
इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी जैसा मैंने। 70 बरस के आत्माराम के अकेलेपन की कहानी है। उनको उनकी जो उन्होंने पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए जिया, उनकी पत्नी 20 साल बीमार रहने के बाद गुजर चुकी हैं, वो अकेले हैं और उसके बीच में संतुलन से मुलाकात होती है जो कि एक उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका मिरर की तरह काम करता है, उनका एक नौजवान दोस्त बन जाता है और उनकी ज़िंदगी में जो खालीपन आया हुआ है, जो मायूसी आई हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो बड़े बड़े मनोरंजक तरीके से मंगेश ने ये फिल्म बनाई है, हम लोगों ने बनाई है और परिवार के साथ देखी जा सकती है। कहीं से भी इसके अंदर कोई सस्तापन या घटियापन उस तरह से नहीं है और लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी मुझे लगता है। जैसा कि संतुलन जी ने बताया कि नाना जी को नाना प्रकार की फैसिलिटी मिलने वाली, तो कितना कुछ एंजॉय किया आप लोगों ने? शूटिंग उज्जैन में हुई है जी, हाँ जी, आयरलैंड में तो जी, हमें तो बड़ा मज़ा आया। साथ में सबसे अच्छी बात ये थी कि एक फिल्म का जो कैप्टन ऑफ द शिप जिसे डायरेक्टर कहते हैं, वो मंगेश जैसा कभी जो अगर इंसान होता है तो उसके साथ बड़ा मज़ा आ जाता है। बड़ा ही सच्चा, बड़ा ही ऑनेस्ट किस्म का आदमी है, यू नो, तो उसके साथ बातें करने में बड़ी रियल बातें होती हैं। उसके बाद हर एक एक्टर का चयन इतना अच्छे तरीके से हुआ है, इतना सटीक तरीके से हुआ है। मैंने और जीजे ने, हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही। आई मीन फ्रॉम डे वन, आई थिंक रीडिंग से ही शायद वो इतना बढ़िया सुर जम गया था कि वो काम करने में बहुत ईज आता था और कुछ ना कुछ सीन में छुटपुट 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 जोड़ के चीज़ें आगे बढ़ती रहती थी।